प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे जानते हैं? मेरा नाम आइसैक न्यूटन है। बच्चों, मैं एक साइंटिस्ट भी था। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम न्यूटन है। तो फिर चलें हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। मैं आपको क्लास वन की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और आज हम आपकी किताब का चैप्टर नंबर 4 जिसका उन्वान जीरो यानी सिफर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं जीरो क्या है? अगर कुछ भी ना हो तो उसको जाहिर करने के लिए जीरो लिखते हैं। चलें अब हम एनिमेटेड वीडियो के जरिए पढ़ते हैं। और अब हम अपनी किताब की मशक को देखते हैं। सिफर का तसव्वुर करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि एक बॉक्स में 3 स्ट्रॉबेरीज हैं और दूसरे में 5 स्ट्रॉबेरीज हैं, जबकि तीसरा बॉक्स खाली। तो बच्चों, यहाँ सिफर की कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह हम अपनी दोनों एग्जांपल्स को देखेंगे और यहाँ बच्चों आप देख रहे होंगे कि एक बॉक्स में 2 गेंद हैं जबकि दूसरा खाली है, क्योंकि इस बॉक्स की कोई वैल्यू नहीं है, ये सिफर के बराबर होगा। और यहाँ ही 5 गेंद हैं और हम देख रहे हैं कि एक बॉक्स खाली है जिसकी वैल्यू 0 है और दूसरे बॉक्स में 3 पेंसिल हैं और साथ ही तीसरे बॉक्स में 4 पेंसिल हैं। चलें बच्चों, अब आप अपनी किताब में नुकात मिलाएं और ज़ीरो की प्रैक्टिस करें। अब हम अपनी किताब की एक और मशक करते हैं। बच्चों, यहाँ पर रैप चीज़ों को गिनकर दुरुस्त नंबर से मिलाएं। आपकी किताब में एक मिसाल के ज़रिए समझाया गया है कि यहाँ पर 7 गाजर को नंबर 7 से मिलाया गया है। अब हम बाकी चीज़ों के मुताबिक इनके नंबर को मिलाएंगे, जैसे कि 6 टॉफियाँ, 4 पत्ते। 0 को खाली बॉक्स से मिलाएंगे क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। उम्मीद है कि बच्चों आपको 0 यानी सिफर के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल हो गई होंगी। अब मैं आपको 0 के मवाजने के बारे में बताऊंगा। चलें अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। चले आइए बच्चों, अब हम कुछ खाली जगह पुर करते हैं। मेरे हाथ में 4 गुब्बारे हैं और चारों गुब्बारे हवा में उड़ गए हैं, तो बताएं कितने गुब्बारे मेरे हाथ में रहे। (4 - 4 = 0) बिल्कुल सही जवाब। अब मैं आपको 0 के बारे में बताऊंगा। चलें अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। एडिंग 0। एक प्लेट में 3 कपकेक हैं और दूसरी खाली है, जो कि सिफर के बराबर है। अब हम 3 में 0 को जमा करेंगे तो हमारे पास 3 जवाब आएगा। अच्छा बच्चों, अब इस मिसाल को देखते हैं। ए पिंजरे में 2 परिंदे हैं और दूसरे बी पिंजरे में 1 परिंदा और दूसरा उड़ गया है, और अब सी पिंजरे में देख रहे हैं कि वो खाली है क्योंकि इसमें से दोनों परिंदे उड़ गए हैं और ये पिंजरा सिफर की वैल्यू कहलाएगा। बच्चों, अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ 0 के बारे में पढ़ते हैं। इस तस्वीर में जिस दरख्त पर सेब नहीं है उस पर टिक का निशान लगाएं। और अब इस तस्वीर में उस दरख्त को दायरा लगाएं जिसमें कोई भी सेब नहीं है। बच्चों, अब आप जान चुके होंगे कि जब 0 में कोई नंबर जमा करते हैं तो उस नंबर की वही वैल्यू रहती है जो कि पहले थी। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि मेज ए पर कोई गेंद नहीं है और जमा मेज बी पर 2 गेंद हैं,
इनको जमा करके मेज सी में हमारा जवाब 2 के बराबर आएगा। बच्चों अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो के बारे में वीडियो देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, नंबर जीरो। जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं। जीरो किसी ऑब्जेक्ट को जाहिर नहीं करता। मिसाल के तौर पर एक कौवे की चोंच में एक पत्थर है, पत्थर नीचे गिर जाता है। अब उसकी चोंच में उसके पास कुछ भी नहीं है, जिसका मतलब जीरो है। वहाँ मेज पर एक टोकरी है, टोकरी नीचे गिर जाती है। अब मेज पर कुछ भी नहीं है, जिसका मतलब जीरो है। What is zero? The concept of zero learning for kids. Zero क्या होता है? आज हम देखने जा रहे हैं कि zero क्या होता है? Zero का मतलब होता है कुछ नहीं। हम zero क्यों इस्तेमाल करते हैं? किसी चीज को ना जाहिर करने के लिए हम zero को इस्तेमाल करते हैं। ये दिखाने के लिए कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम zero लिखते हैं। Zero का मतलब होता है कुछ नहीं, कोई चीज नहीं। इस दरख्त पर चार सेब हैं। चारों सेब दरख्त से तोड़ लिए गए हैं। दरख्त पर कितने सेब हैं? जवाब जीरो है, क्योंकि वहाँ कोई सेब नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो फॉर प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स। जीरो का तसव्वुर। जीरो, बच्चों मेरे पास कितनी गाजरें हैं? तीन गाजरें। अब मेरे पास कितनी गाजरें हैं? दो गाजरें। और अब मेरे पास कितनी गाजरें बाकी बची हैं? एक गाजर। और अब मेरे पास कितनी गाजरें हैं? जीरो गाजरें। तुम सारी गाजरें खा चुके हो। जीरो, दरख्त पर पांच सेब लटक रहे हैं। एक सेब नीचे गिरा और बाकी चार बच गए। एक और सेब नीचे गिरा, तीन सेब बाकी बचे। दो सेब बाकी बच गए, एक सेब बाकी बचा, जीरो से बाकी बचे। जीरो, तार पर पांच परिंदे बैठे हैं। एक परिंदा उड़ गया, बाकी चार बचे। एक और परिंदा उड़ गया, बाकी तीन बचे। दो परिंदे बाकी बचे, एक परिंदा बाकी बचा, जीरो परिंदे बाकी बचे। सारे परिंदे उड़ चुके हैं। जीरो। अब हम मैथमेटिक्स में जीरो को एडिशन की प्रॉपर्टी के जरिए पढ़ेंगे। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इस तस्वीर में बच्चों आप देख रहे हैं कि एक बाउल में दो सेब हैं और दूसरा बाउल खाली है। इन दोनों बाउल की वैल्यू ऑफ सेब को जमा करके हमारे पास जवाब दो सेब आएगा। आपने इस मिसाल के जरिए एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। बच्चों क्या आप जानते हैं कि जब हम कोई भी नंबर जीरो में ऐड करते हैं तो वो नंबर सेम वही वैल्यू रखता है जो पहले था। चले आए कुछ मिसालें देखते हैं एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। चले बच्चों बताएं आप इस क्वेश्चन का जवाब। सोचें और जवाब बताएं। 4 प्लस जीरो इज इक्वल टू, क्या जवाब होगा? सोचें और जवाब बताएं। फोर, बहुत अच्छे बच्चों, दुरुस्त जवाब। 2 प्लस जीरो इज इक्वल टू, क्या जवाब होगा? सोचें और जवाब बताएं। टू, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। 5 प्लस जीरो इज इक्वल टू, क्या जवाब होगा? सोचें और जवाब बताएं। फाइव, बहुत अच्छे बच्चों, दुरुस्त जवाब। 0 प्लस फोर इज इक्वल टू फोर। 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6। 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7। 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 9। 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10। 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1।
0 plus 8 is equal to 8. इसको मजीद अच्छी तरह समझने के लिए आप खुद भी इनकी प्रैक्टिस करें। चलें बच्चों, अब हम मैथमेटिक्स में जीरो को सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी के जरिए पढ़ेंगे और इनकी कुछ मिसालें भी हल करेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब हम कोई भी नंबर जीरो में लेस करते हैं तो वो नंबर सेम वही वैल्यू रखता है जो पहले था। चलें आए कुछ मिसालें देखते हैं सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। चलें बच्चों, बताएं आप इस क्वेश्चन का जवाब, सोचें और जवाब बताएं। 3 - 0 इज इक्वल टू, चलें बच्चों बताएं आप इस क्वेश्चन का जवाब, सोचें और जवाब बताएं। थ्री, बहुत अच्छे बच्चों, दुरुस्त जवाब। 6 - 0 इज इक्वल टू, चलें बच्चों बताएं आप इस क्वेश्चन का जवाब, सिक्स। बहुत अच्छे बच्चों, दुरुस्त जवाब। 4 - 0 इज इक्वल टू, चले बच्चों बताएं आप इस क्वेश्चन का जवाब, फोर। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। 8 - 0 इज इक्वल टू 8। 6 - 6 इज इक्वल टू 0। उम्मीद है आपको जीरो यानी सिफर की सही तरह समझ आ गई होगी। चलें अब हम एनिमेटेड वीडियो के जरिए पढ़ते हैं। जीरो, इट्स जीरो, आर यू रेडी, हियर वी गो। जीरो, इट्स एवरीवेयर, वाओ, इट्स एवरीवेयर। जीरो, इट्स हियर एंड देयर। जीरो, दिस नंबर्स ग्रो। ओहो, क्या गड़बड़ है मेरे जवान दोस्त, क्या मसला है? मेरे कमरे में मेरे सारे खिलौने फर्श पर बिखरे हुए हैं। मेरे ख्याल में शायद मेरे पास इसका हल है। अगर तुम ये खिलौने इस खिलौने वाले बॉक्स में डाल दो तो फिर तुम्हारे पास फर्श पर जीरो खिलौने होंगे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वाह, ये पहले ही साफ सुथरा लग रहा है, बाकी मैं कर लूंगा। देखो जीरो, सारे खिलौने रखने से मुझे पता चला है कि फर्श पर जीरो खिलौने हैं और जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं। शुक्रिया जीरो। कोई मसला नहीं, मेरा काम यहाँ मुकम्मल हो गया है। जीरो, एक हीरो। उम्मीद है आपको जीरो यानी सिफर की सही तरह समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।